कल किसान आंदोलन के पूरे हो रहे हैं एक साल, दिल्ली के बॉर्डर पर बढ़ा आंदोलनकारियों का जमावड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रैक्टरों के साथ पहुंच रहे हैं किसान, दिल्ली के बॉर्डर पर होगा कृषि कानूनों की वापसी का जश्न। पंजाब के कई इलाकों से किसानों का दिल्ली कूच, कल मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज करने की तैयारी। चंडीगढ़ से रवाना हुआ हजारों किसानों का जत्था, शंभू और सिंघू बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ होगा प्रदर्शन। हरियाणा के भी किसानों ने दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच किया, आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। पंजाब हरियाणा में हाईवे पर नजर आ रही आंदोलनकारियों की भीड़, जगह जगह लंगर का इंतजाम। टीकरी बॉर्डर पर बढ़ने लगी किसानों की भीड़, मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। 29 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की तैयारी, एमएसपी कानून की मांग को लेकर किसानों ने सरकार पर दबाव बढ़ाया। तो आप ये आंदोलन ए और बी टीम है दोनों, सब देश की। किसानों की मोर्चाबंदी को देखते हुए पुलिस ने भी कसी कमर, गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा लगाए जा रहे हैं सीमेंट के बैरिकेड्स। 6 मांगों को लेकर हैदराबाद में किसानों का महाधरना, राकेश टिकैत समेत कई नेता शामिल हुए। हरियाणा के सिरसा में किसानों का अनूठा प्रदर्शन, मांगों को लेकर पानी टंकी पर चढ़े। देवरिया में बीजेपी के किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली, योगी और मोदी सरकार का शुक्रिया कहा। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की माथापच्ची, सोनिया के घर संसदीय कमेटी की बैठक। खुद से विषय हमको उठाना है और वो विषय दिन पे दिन रोज हम एक एक विषय उठाएंगे। सिद्धू ने चन्नी के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, बोले ड्रग्स पर रिपोर्ट जारी नहीं की तो भूख हड़ताल पर बैठूंगा। पंजाब के मोगा में सिद्धू ने उठाया ड्रग्स का मुद्दा, बोले नशे की वजह से बर्बाद हो रही है नौजवान पीढ़ी। मोगा में पंजाब के सीएम चन्नी ने भी रैली को संबोधित किया, केजरीवाल को बताया अफवाह फैलाने की मशीन। कैप्टन अमरिंदर के परिवार पर कांग्रेस का एक्शन, पत्नी परिणीत कौर को भेजा नोटिस, पूछा वो कांग्रेस के साथ या अमरिंदर के साथ। पटियाला नगर निगम में कैप्टन खेमे को बड़ा झटका, विश्वास मत हारने के बाद सस्पेंड किए गए मेयर। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर बढ़ा सियासी टकराव, पीएम मोदी का वार, पुरानी सरकारों ने दिखाए झूठे सपने। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। पीएम के वार पर अखिलेश का पलटवार, बोले हवाई अड्डा बनाने के बाद उसे बेच देगी बीजेपी। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर सीएम योगी ने विरोधियों पर निशाना साधा, कहा जिन्ना के अनुयायियों ने गन्ने की मिठास को कड़वा किया। उन सभी किसान भाइयों का भी मैं अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर मैं पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी को दिया जेवर एयरपोर्ट का तोहफा, 4 फेज में बनेगा 5 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा। जेवर एयरपोर्ट की नींव रखने से पहले पीएम ने पूरे प्रोजेक्ट का लिया जायजा, बोले पूरे दिल्ली एनसीआर को फायदा होगा। कल से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुरू हो जाएगी उड़ान सेवा, 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। पीएम मोदी ने जमकर की योगी सरकार की तारीफ, बोले अब यूपी की बनेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। राजनाथ सिंह ने पीएम और सीएम योगी की तस्वीर का खोला राज, कहा पीएम समझा रहे हैं योगी जी, ऐसे ही धड़ाधड़ बैटिंग करते जाइए, धड़ाधड़ बैटिंग करते जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज यह दृश्य देखने के बाद कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से अधिक बहुमत से विजय हासिल करने से अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जौनपुर में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है।
समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। योगी सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह का विवादास्पद बयान, मदरसों को बताया आतंक का अड्डा। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो है वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है। यूपी के मंत्री के विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, कहा सरकार आई तो मदरसे में कराऊंगा मंत्री का एडमिशन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर उठाया बंटवारे का मुद्दा, कहा विभाजन को रद्द करके ही मिटेगा दर्द। मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। गोवा के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वाल्पो में जनसभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने मेघालय में कांग्रेस को दिया बड़ा झटका, पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत पार्टी के 12 विधायक टीएमसी में शामिल। त्रिपुरा में स्थानीय चुनावों के दौरान सियासी घमासान, टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। झारखंड में पेट्रोल डीजल से वैट घटाने की बड़ी मांग, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। जलंधर में पंजाब के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर जमकर बवाल, पुलिस और शिक्षकों के बीच झड़प। पूरी तरह पेपरलेस हो गया बिहार विधान परिषद, ई विधान की शुरुआत, हर सदस्य की जगह पर लगाया गया टैब। दिल्ली में असम और मिजोरम के बीच अहम बैठक, कई विवादित मुद्दों पर माथापच्ची कर रहे हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री। 27 नवंबर को बुंदेलखंड में प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली, महोबा में लोगों को संबोधित करेंगी। जयपुर में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई और दूसरी नीतियों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पटना से दिल्ली लौटे लालू प्रसाद यादव, रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। गुजरात के सूरत पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अहमद पटेल की बरसी पर श्रद्धांजलि दी। एक दिसंबर से खुल जाएंगे महाराष्ट्र के प्राइमरी स्कूल, उद्धव कैबिनेट ने मंजूरी दी। अगले हफ्ते हिमाचल में रचेगा इतिहास, 100% लोगों को लगेगा कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर बड़ा आरोप, रिटायर्ड एसीपी बोले मुंबई हमले के कसूरवार कसाब का फोन छिपाया। सीआईडी ने 3 महीने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की थी, उसके बाद ये केस रजिस्टर हुआ है, तो हमारा केस कोई फॉल्स केस नहीं था। एंड अगर कुछ होता तो परमबीर सिंह 231 डेज गायब नहीं रहते, वो एजेंसी को आके सामने अपना जो भी था बाजू मानते अपनी। करीब 6 महीने बाद मुंबई पहुंचे पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, क्राइम ब्रांच में करीब 6 घंटे पूछताछ हुई। वसूली केस में फरार चल रहे थे परमबीर सिंह, घर पर चिपकाया गया था भगोड़ा होने का नोटिस। सस्पेंड हो सकते हैं परमबीर सिंह, सरकार के सामने लंबित है प्रस्ताव, बीमारी से लौटने के बाद मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की शिक्षा नीति को लेकर नाराजगी, एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इस साल 150 के पार पहुंचा ऑपरेशन ऑल आउट का आंकड़ा, अब तक 151 आतंकी ढेर, लेकिन घाटी में अब भी सक्रिय है 199 आतंकी। जम्मू में श्रीनगर हाईवे पर पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक ट्रक से 50 किलो हेरोइन बरामद। पटना में जेडीयू नेता को दिन दहाड़े गोली मारी, 5 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। जलंधर में घिर गए किताब दुकान में आग लगाने पहुंचे 3 युवक, 1 की मौत। यमुनानगर में कबाड़ी के गोदाम में आग, 3 बच्चों सहित 4 लोगों की दम घुटने से मौत। रांची में नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, झारखंड एटीएस ने 4 आरोपियों को दबोचा। मुजफ्फरनगर में ऑनलाइन ऑर्डर कर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, लाखों रुपए के माल के साथ 2 गिरफ्तार। मथुरा में यमुना में तैरती मिली कारोबारी की लाश, 1 हफ्ते पहले लापता हुए थे गोपाल अग्रवाल। झालावाड़ में 350 किलो से ज्यादा नशे की खेप बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या, जमीन विवाद में वारदात को अंजाम देने का शक। ओडिशा के मलकानगिरी में दिल दहलाने वाला हादसा, बेकाबू ट्रक ने बारात को रौंदा, 3 की मौत।
बिहार के सहरसा में अपराध की योजना बना रहे चार अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने 3 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा समेत बाइक बरामद किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अवैध शराब ठिकानों पर चला डंडा। 1200 लीटर कच्ची शराब को जेसीबी से किया गया नष्ट। अब भी खराब है दिल्ली की हवा। अधिकतर जगहों पर 300 से ज्यादा है AQI। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में लगातार 6 घंटे की बारिश ने लोगों को बेहाल किया। पानी में डूबा मुरुगन मंदिर। केरल के कई इलाकों में भारी बरसात। तिरुवनंतपुरम में लगातार बरसात ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट के पहले दिन भारत ने 4 विकेट पर बनाए 258 रन। क्रीज पर डटे श्रेयस अय्यर और जडेजा। टॉस जीतकर टीम इंडिया का पहले बल्लेबाजी का फैसला 145 रन पर ही गिर गए थे 4 विकेट। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने झटके 3 विकेट। टिम साउदी के खाते में 1 विकेट। 454 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 58,795 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी 121 अंकों की तेजी। फिर बढ़ने लगे सोने चांदी के भाव। 130 रुपए महंगा होकर 47,714 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोना। चांदी में 260 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। अक्टूबर से मार्च छमाही में 4.5 लाख लोगों को नौकरी देगी IT कंपनियां। पहली छमाही के मुकाबले 12% ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को शुरू करने का ऐलान कर सकती है सरकार। इकोनॉमी को मिलेगी एक और बूस्टर डोज। सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ठहराया जा सकता है जिम्मेदार। IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संकेत दिया। भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या बढ़कर 1020 हुई। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में दावा। मार्केट कैप के लिहाज से एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की बराबरी पर पहुंचे गौतम अडानी। दोनों की संपत्ति 6.63 लाख करोड़ रुपए हुई। भारतीय नौसेना को मिली नई ताकत। बेड़े में शामिल हुई पनडुब्बी INS वेला। ज्यादा गहराई तक जाकर ऑपरेशन में सक्षम। रूस के साइबेरिया में कोयला खदान में आग लगने से 11 की मौत। अब भी फंसे हैं 50 से ज्यादा लोग। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही छोड़ना पड़ा पद। संसद में गिरा बजट प्रस्ताव। जर्मनी में सरकार बनने का रास्ता साफ। 3 दलों के बीच समझौता। डेमोक्रेटिक पार्टी के ओलाफ हो सकते हैं नए चांसलर। लीबिया में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे पूर्व शासक गद्दाफी के बेटे को तगड़ा झटका। चुनाव आयोग ने खारिज की उम्मीदवारी।